नेहरू नगर स्थित एक मकान में घरेलू कामकाज करने वाली नौकरानी ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मालकिन की लापरवाही का फायदा उठाकर नौकरानी ने अपने पति के साथ मिलकर 10 लाख रुपए के जेवर पार करने के साथ ही नगदी रकम पर भी हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक को गहनों के चोरी होने की जानकारी लगी, तब शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने नौकरानी व उसके पति को गिरफ्तार कर चोरी हुआ मशरू का बरामद कर दिया है। ये जामुल थाना और सुपेला थाना के मामले हैं, जहां पर चोरी की कुल 9 घटनाओं को आज डिटेक्ट किया गया है। 2 पृथक पृथक मामले हैं। जामुल थाना की टीम ने 8 चोरियों के मामले का खुलासा किया है, जिसमें सोने चांदी के जेवर और कुछ गाड़ियां, LED TVs आदि मिलाकर लगभग 12-13 लाख की चोरियां उन्होंने खुलासा किया है। और उसी के जैसे सुपेला थाने में भी एक परिवार में चोरी हो गई थी 3 दिन पूर्व, तो उस पर से सुपेला थाना प्रभारी उनकी टीम ने इसमें मेहनत करते हुए लगभग 25 लाख के जेवर जो चोरी हुए थे उनको रिकवरी की है, और आरोपी जो पति पत्नी है उस घर में काम करते थे उनको भी गिरफ्तार किया है। सर, अचानक से घर वाले को पता चला कि इतना रकम उड़ गया है, इतना जेवरात, पहले कैसे नहीं पता चल पाया, अचानक से कैसे बरामद हुए? घर वालों को इसलिए पता नहीं चल पाया कि चूंकि ये जो आरोपी थे पति पत्नी दोनों उस घर में काम करते थे, रसोई और नौकर के रूप में, और काम करते करते ग्रेजुअली धीरे धीरे सामान और कैश ज्वेलरी को चोरी करना शुरू किया, जिसके कारण वो इन चीज़ों को भांप नहीं पाए। तब बाद में पता चला, तब उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, FIR हुआ और इनको गिरफ्तार किया गया। मामले में कितने रुपये की गिरफ्तारी हुई? सुपेला थाने में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पति पत्नी है, और जामुल थाने में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई।